हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास फिफ्थ की जो ईवीएस है इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो है सुपर सेंसेस। इसमें सेंस बता रखे हैं एनिमल्स के, कि बर्ड्स के वो किस टाइप से पता लगाते हैं अपने दुश्मनों का, अपने दोस्तों का, कैसे मुसीबतों से बचते हैं, उसके बारे में साइंटिस्ट क्या कहते हैं उन चीज़ों के बारे में। जैसे फर्स्ट आता है हमारा आंट्स, चींटियाँ। साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो जब चलती हैं तो स्मेल छोड़ते हैं ग्राउंड पे, एक ग्राउंड पे जब चलते टाइम एक स्मेल छोड़ती हैं, उसकी वजह से ही जो दूसरी चींटे हैं, अदर एंट्स हैं, वो स्मेल को फॉलो करती हैं और उस चींटी के पीछे पीछे उस जगह पे पहुंच जाती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वो कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलती हैं। नेक्स्ट, मॉस्किटोज, मच्छर। मच्छरों को हमारे बारे में कैसे पता चलता है? तो मच्छर हमारी स्मेल से हमारे पास पहुंचते हैं। सेकंड मेथड होता है जो हमारे पास पहुंचने के, जो हमारे फीट पैर हैं उनकी स्मेल से हैं। सेकंड, हीट ऑफ आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी की हीट है उसकी वजह से हमारे पास पहुंचते हैं। नेक्स्ट देर का सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? सिल्क वॉर्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये अपने पार्टनर को, फीमेल पार्टनर को, कई किलोमीटर दूर से भी पता लगा सकता है। कैसे? उसकी स्मेल की वजह से। उसकी स्मेल की वजह से अपने पार्टनर को कई किलोमीटर दूर की वजह से भी, कई किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी पता लगा सकता है। नेक्स्ट, बर्ड्स। बर्ड्स क्या होता है? जो कई पक्षी होते हैं वो, जैसे काइट हो गया, ईगल हो गया, ये हमारे कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज़्यादा देख सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें 2 मीटर तक क्लियरली दिखाई देता है तो जो बर्ड्स को उसका 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कितना हो गया, 8 मीटर तक बर्ड्स क्लियरली देख सकते हैं। तो सोचो अगर हमको 10 मीटर देख सकते हैं तो बर्ड्स कितने दूर तक देख पाएंगे? 4 टाइम्स मतलब 10 × 4 कितना हो गया, 40 मीटर तक। नेक्स्ट, एनिमल्स। एनिमल्स को कैसा दिखाई देता है? क्या उन्हें भी हमारी तरह कलर दिखाई देते हैं सारी चीज़ें? तो एनिमल्स जो दिन में जागते हैं उनको तो कुछ चीज़ें कलर दिखाई देते हैं, मतलब कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन जो एनिमल्स रात को जागते हैं, बैट हो गया, आउल हो गया, कैट हो गया, तो इनको सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनको कोई भी चीज़ कलर में दिखाई नहीं देती, इनको कोई कलर नहीं दिखता, ओनली सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं। नेक्स्ट, स्नेक एंड लिजार्ड्स। स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, इनके कोई भी कान नहीं होते हमारी तरह। दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। ये कैसे पता लगाते हैं हमारा या दुश्मनों का या किसी भी अपने खाने की चीज़ का? वाइब्रेशन से, जो ग्राउंड पे वाइब्रेशन होती है उससे। लिजार्ड्स, छिपकलियाँ, हमें विंटर्स में दिखाई नहीं देती, कहाँ चली जाती हैं विंटर्स में? दे गो इन टू ए लॉन्ग एंड डीप स्लीप, एक लंबी और गहरी नींद में चली जाती हैं, सो जाती हैं सर्दियों में, इसलिए दिखाई नहीं देती। फिशेज, अगर दुश्मन आ रहा है तो फिशेज कैसे बताती हैं आपस में, कौन सी आवाज़ निकालती हैं, कैसे बताती हैं? तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं, पानी में इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं, उससे बताती हैं। ऐसे ही जो लंगूर हो गया वो आवाज़ डिफरेंट टाइप की निकालेगा, और पक्षी हैं, बंदर हैं, वो आवाज़ दूसरे तरह की निकालते हैं। स्लॉथ, ये क्या है? इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है फर्स्ट चैप्टर में। इट लुक लाइक ए बियर, ये इसकी पिक्चर होगी, एक भालू की तरह दिखाई देता है। ये अपना ज़्यादातर टाइम सोते हुए निकालता है, मतलब दिन में 17 आवर्स सोता है, 17 घंटे। लिव्स फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, इसकी जो लाइफ होती है लगभग 40 ईयर्स की होती है। ईट लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स, ये जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियाँ खाता है, और ये दिन में बस केवल एक बार नीचे उतरता है रेस्ट करने के लिए, और जैसे ही पेड़ की पत्तियां ख़त्म हो जाती हैं ये दूसरे पेड़ पे चला जाता है। एनिमल्स स्लीपिंग टाइम, एनिमल्स का सोने का टाइम, वो कितनी देर सोते हैं? काओ 4 आवर्स होती है दिन में। पाइथन, पाइथन क्या होता है? अजगर, ये पिक्चर दे रखी है, ये 18 आवर्स होता है। जिराफ ओनली 2 आवर्स, और कैट 6 12 आवर्स होते हैं। ये इनको सोने का टाइम दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा है, तो ये भी पढ़ना ज़रूरी है, इसके बारे में आ सकता है पेपर में। टाइगर के बारे में क्या दे रखा है? कि ये किसी भी आवाज़ को 3 किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं,
मतलब अगर आप यहाँ पे आवाज़ कर रहे हो तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर आपकी आवाज़ को सुन सकते हैं। इट कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। इसको रात में हमसे 6 गुना टाइम्स ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। किसको? टाइगर को। दो चीज़ें दे रखी हैं, 3 किलोमीटर अवे एंड 6 टाइम्स बेटर देन अस। नेक्स्ट, नेशनल पार्क्स। आपकी बुक में दो नेशनल पार्क के बारे में बता रखा है इस चैप्टर में। एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। कौन सा? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट, घना नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? राजस्थान की, राजस्थान की भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये दे रखे हैं। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।